Good morning students and welcome students in my YouTube channel अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी में। टुडे वी डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ योर फार्माकोलॉजी। जैसे हमने लास्ट टाइम एंटी कैंसर ड्रग पढ़ा था, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी तरफ जाते हैं, जिसमें आपका टॉपिक आज डिस्कस करेंगे Immune-Suppressants। Immune-Suppressants जैसे आप नाम इंडिकेट कर रहा है, Immune-Suppressants यानी कि वो एजेंट इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी को, सप्रेसेंट मतलब सप्रेस करने वाले, कम करने वाले, हमारी इम्यूनिटी को डाउन करने वाले जो एजेंट्स होंगे उसको हम पढ़ेंगे किस में, Immune-Suppressants में। यानी Immune-Suppressants आर द एजेंट्स डेट आर यूज टू रिड्यूस द इम्यूनिटी ऑफ अवर बॉडी। अब बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसमें हमें बॉडी की इम्यूनिटी को कम करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जो ऑटो इम्यूनो डिसीज होती हैं, जैसे कि जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से क्या डिसीज हो जाते हैं, तो उन डिसऑर्डर में Immune-Suppressants यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ऑटो रिजेक्शन का मतलब क्या, जैसे किसी के बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया, लीवर का ट्रांसप्लांट किया गया, तो ट्रांसप्लांट करने पर वो ऑर्गन क्या है, दूसरे के बॉडी का है और हम किसी दूसरी बॉडी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो बॉडी जिस बॉडी में हम शिफ्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि बॉडी उसे रिजेक्शन कर रही होती है, ऑटो रिजेक्शन जिसे बोलते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में काम कर रही होती है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना रही होती है, उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उस टाइम भी हमें Immune-Suppressants की जरूरत पड़ती है ताकि वो जो ऑर्गन बाहर से उसकी बॉडी में लगा गया है उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम ज़्यादा हाइपर एक्टिव ना हो और उसको रिजेक्ट ना करे, उसको डैमेज ना करे। तो ये सब यूज़ देखेंगे हम Immune-Suppressants का। तो स्टार्ट करते हैं Immune-Suppressants। तो इंट्रोडक्शन क्या है, दीज आर द ड्रग्स सप्रेस टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी इम्यूनिटी। मैंने बताया था बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम को कुछ कम करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एंटी रिजेक्शन ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जिस ऑर्गन को जैसे ट्रांसप्लांटेशन हो रहा, किसी का ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ और लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, तो उसको जो बॉडी जो रिजेक्ट कर रही थी, रिजेक्ट को रोकने के लिए ड्रग यूज़ किया जाते हैं, तो क्या होगा, एंटी रिजेक्शन ड्रग बोल देते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी यूज ऑफ Immune-Suppressants ड्रग इज टू लोअर द बॉडी एबिलिटी टू रिजेक्ट द ट्रांसप्लांट ऑर्गन सच एस ए लीवर, हार्ट एंड किडनी। तो सबसे जो प्राइमरी यूज़ देखा जाता है Immune-Suppressants का, वो ये है कि बॉडी में जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन किए गए हैं उसको बॉडी की इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में काम ना करे, इसके लिए बॉडी की इम्यूनिटी को लोअर किया जाता है। तो प्राइमरी यूज़ ऑफ Immune-Suppressants ड्रग इज़ टू लोअर बॉडी एबिलिटी, यानी बॉडी इम्यूनिटी को रिजेक्ट कर लो, को कम करना, जिससे कि वो टू रिजेक्ट ट्रांसप्लांट ऑर्गन सच वो, जिससे कि बॉडी के जो ट्रांसप्लांट जो ऑर्गन आए हैं उनको रिजेक्ट ना कर पाए। अब मैकेनिक एक्शन किस तरीके से काम करते हैं, तो मैकेनिक एक्शन की बात करें तो डिफरेंट टाइप के चार कैटेगरी के मैकेनिक एक्शन रहते हैं। जैसे हमारी एजिथायोप्यूरिन जो होती है वो ड्रग जैसे Immune-Suppressants में यूज़ की जाती है, तो एजिथायोप्यूरिन जो ड्रग है वो सप्रेस सेल इम्यूनिटी एंड अल्टर द बॉडी फंक्शन। जो सेल से जो सेल की जो इम्यूनिटी की जो फंक्शन होती है, एक सेल जो इम्यूनिटी सेल की जो इम्यूनिटी होती है उसको ये चेंज कर देती हैं, उसको सप्रेस करते हैं, साथ में ये जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है उसको भी चेंज कर देती है। सेकंड हम जो ड्रग यूज़ करते हैं साइक्लोस्पोरिन जो यूज़ करते हैं, उसको इनहिबिट द पॉलीफिकेशन फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये क्या करती है, टी लिम्फोसाइट में जो टी लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं उनका पॉलीफिकेशन का डिवीजन होता है उसको ये ब्लॉक कर देती हैं, और साथ में फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट जो होती हैं टी सेल्स होती हैं उनके फंक्शन को भी सप्रेस कर देती हैं, ताकि वो जो बॉडी के अगेंस्ट में मतलब डिफरेंट जो बॉडी का अदर बॉडी के अलावा जो बाहर के लोग बाहर के जो सेल्स हैं उनके अगेंस्ट में ये काम ना कर पाएँ। ठीक है, इसी तरह से कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, जिस इंक्लूड द बैक्सिलिसिमेब, डेसलीजुमेब, मेरानोलिवेब, ब्लॉक द टी सेल फंक्शन। बहुत सारी टी सेल होती हैं, टी किलर सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अलावा जो बाहर की सेल्स होती हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं या डाइवर्स सेल्स होती हैं वो किल करने काम करती हैं, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं उनको उनके फंक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे कि वो किसी दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट ना कर पाएँ, दूसरे ऑर्गन की सेल को अफेक्ट ना कर पाएँ। इसके अलावा बहुत सारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ होते हैं, प्रेडिनिसोन इनहिबिट द मैक्रोफेज फॉर्मेशंस एंड इनहेरेंट माइग्रेशंस ऑफ मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट टू इन्फ्लेमेटेड एरिया। मतलब
एक तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रेडनिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, डेक्सामेथासोन है, बहुत सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है, जो क्या करते हैं मैक्रोफेज के सेल का फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, साथ में मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट जो सेल्स हैं उनके माइग्रेशन को इनहिबिट करते हैं, जो क्योंकि वो जो ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज सेल्स क्या करते हैं, जहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है, जहाँ पर जो दूसरी हमारी बॉडी के अलावा दूसरी सेल्स आ गई उनको डैमेज करने के लिए वो पहुँचेंगी, माइग्रेट करेंगी, तो माइग्रेशन को भी ये इनहिबिट कर देते हैं जिससे वो पहुँच नहीं पाएँ और ज़्यादा इम्यून सिस्टम्स मतलब इम्यून सिस्टम के हाइपरएक्टिव रिएक्शन सप्रेस हो पाए। तो मेनली जो तीन एजेंट यूज़ किए जाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन यूज़ किए जाएंगे, साइक्लोस्पोरिन यूज़ किया जाएगा, नंबर फोर्थ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। फिर इंडिकेशन की बात करते हैं, यूज़ इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे पहला क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं, मैंने बताया सोरायसिस हमारी बॉडी का ऑटोइम्यून डिसीज़ है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस ये भी हमारी बॉडी का ऑटोइम्यून डिसीज़ है, क्रोन डिसीज़ क्या होते हैं आप जानते होंगे कि जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर हाईली इन्फ्लामेशन रिएक्शन होने लगती हैं और वो भी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है। इसी तरीके से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, फिर एक एलोपेशिया इरेक्टा होता है जिसमें हमारे बाल पूरे गायब हो जाते हैं, हेयर पूरी तरह लॉस हो जाते हैं, वो भी ऑटोइम्यून डिसीज़ के कारण होते हैं। तो जो ऑटोइम्यून डिसीज़ में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो गई है उस किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से पर्टिकुलर ऑर्गन्स में क्या है डिफरेंट टाइप के डिसीज जनरेट हो रहे हैं। तो अगर वहाँ पे उनके वो जो हाइपर एक्टिविटी हो रही है हमारी इम्यून सेल्स की उनको सप्रेस कर दिया जाए तो वो क्या डिसऑर्डर कुछ हद तक रुक जाएंगे, तो इसलिए ऑटोइम्यून डिसीज़ में भी इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूज़ टू प्रिवेंट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सबसे ज़्यादा यूज़ यही है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अगर किसी का किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, किसी का लिवर का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, तो ट्रांसप्लांटेशन होने पे क्या है वो ऑर्गन किसी दूसरी बॉडी का किसी दूसरी बॉडी में शिफ्ट किया गया है, तो जिस बॉडी में शिफ्ट किया गया तो उसकी सेल क्या करती है उसे बाहर का आदमी समझती है, बाहर का ऑर्गन समझती है और उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देती है, तो बॉडी की इम्यूनिटी उसको नष्ट ना करते, उसको रिजेक्ट ना करते, तो उसके लिए क्या बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करा जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसे यूज़ करते हैं, यानी यूज़ टू प्रिवेंट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, अगर बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उसमें भी इसी तरह के यूज़ करते हैं। और लास्ट में आपका कुछ आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी या इम्यूनो सप्रेसेंट एक्शन जैसे यूज़ होते हैं, जैसे आजकल कोविड जो इन्फेक्शन चल रहा है तो कोविड में भी क्या कर रहे हैं आपकी जो थेरेपी चल रही है कुछ पेशेंट कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन ये आया है कि हायर कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करने से, हायर डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करने से, लॉन्ग टाइम कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करने से क्या है बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रही है, और बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से क्या है आजकल जो एक आपका ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, जबकि जिसका ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का नामोनिशान नहीं था ये, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाने के कारण हो रहा है, बॉडी की इम्यूनिटी अगर बनी रहती है तो उसके अगेंस्ट में ब्लैक फंगस नहीं मिल पाता, तो इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करना चाहिए, बहुत सोच समझ यूज़ नहीं, अगर आप अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक फंगस को आमंत्रित करते हैं, ब्लैक फंगस जैसे और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर यो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करें, लेकिन जहाँ जितनी उसे ज़रूरत है तब यूज़ करें। बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि अब क्या है हमारी बॉडी में किसी भी एरिया में क्या है हमारी बॉडी की सेल्स हैं और बाहर की सेल्स हैं, बाहर की सेल्स हैं तो वायरस है, बैक्टीरिया है, और हमारी बॉडी की सेल है, उनके बीच में युद्ध चल रहा है, और युद्ध जब होगा, लड़ाई जब होगी तो वहाँ पे क्या है वो मैदान वहाँ पे जब लड़ाई होगी, लड़ाई होने पर टूट फूट ज़्यादा होगी और वहाँ का जिस एरिया में लड़ाई हो रही है वो एरिया भी ख़राब होगा, यानी ऑर्गन ख़राब होना शुरू हो जाता है। कोविड में मेनली क्या है कि हमारे लंग्स हैं, लंग्स में हमारी सेल्स भी हैं, वायरस अगेंस्ट में काम कर रही हैं, जब दोनों में लड़ाई हो रही है तो क्या हो रहा है हमारा लंग्स में इन्फेक्शन, लड़ाई होने की वजह से क्या है लंग्स में हमारे लंग्स क्या है वो एरिया है जिस एरिया में लड़ाई हो रही है तो वो एरिया क्या डैमेज होने लगता है, तो उसको हाइयर जब डैमेज होने लगा तो उसको रोकने के लिए ही कुछ मेन रोकने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए, वैसे ना प्रिस्क्राइब करें, उसी कंडीशन में देना चाहिए जब सीवियर रिएक्शन हो रही हो। ठीक है, उसके बाद कुछ आपके एग्जांपल हैं ड्रग के, जैसे एजिथ्रोमाइसिन की क्या डोज रहती है, साइक्लोस्पोरिन की क्या डोज रहती है, इसके अलावा आपका कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं, प्रेडनिसोल हैं, ये सभी की डोज हैं आप देख सकते हैं, वो तो याद करना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। फिर इसके अलावा कंट्राइंडिकेशन है, प्रिकॉशंस कंट्राइंडिकेशंस कहाँ कहाँ हमें इसे नहीं देना है, किस इस कंडीशन में इसे नहीं दे सकते, अगर किसी के पेशेंट को बोन मैरो डिप्रेशन है तो उसको हमें इसे अफेक्टेड करेगा, कोई पेशेंट ऑलरेडी बहुत सारे इन्फेक्शन ग्रस्त है तो उसके लिए भी हम ये थेरेपी ना दें, इम्यून सप्रेशन ना दें, कैंसर में भी इम्यून सप्रेशन का यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है और ज़्यादा डाउन हो जाती है, और इम्पेयर्ड लीवर किडनी फंक्शन अगर इम्पेयर्ड हो गए हैं, प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं उस कंडीशन में भी इनको यूज़ नहीं करते हैं,
कंट्राइंडिकेशन द पेशेंट विद हाइपरसेंसिटिविटी टू पॉलीसॉर्बिडिटी, और कुछ पेशेंट जिनके लिए हाइपरसेंसिटिविटी रहती है पॉलीसॉर्बिडिटी के लिए, उन पेशेंट को भी इसमें अवॉइड किया जाता है। यूज़ ऑल इम्यूनोसप्रेशन कॉन्शनली इन द कॉन्शनली इन द प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर वुमेंस। वैसे तो यूज़ ना करें तो अच्छा है, प्रेग्नेंट कंडीशन में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने उसे यूज़ ना करें, यूज़ करें तो बहुत सावधानी पूर्वक यूज़ करें ताकि इसकी हाई डोज ना हो पाए, जो कहीं ऐसा ना हो कि फीटस के लिए या चाइल्ड के लिए अफेक्टेड करे, तो डोज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा या तो ना यूज़ करें। एडवर्स इफेक्ट क्या रहे हैं, पेप्टिक अल्सर हो सकता है जब यूज़ करते हैं आप, तो इंक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, नौसिया वोमिटिंग कॉमन सिम्टम्स हैं, एनोरेक्सिया भूख ना लगना, हेमाटॉक्सिसिटी, फीवर, चिल्स, इलेक्ट्रोलाइट चेंज, ट्रिमर्स, वेट गेन, एडिमा, मूड स्विंग, डायरिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब होता है WBC का कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स का कम होना, GI डिसऑर्डर से हो सकते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, डायस्पोनिया, डायस्पोनिया मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होना, एंड फ्लू लाइक सिंड्रोम्स भी डेवलप हो सकती हैं अगर आप इसकी थेरेपी कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, हाई डोज में थेरेपी कर रहे हैं तब। अब ड्रग इंट्रैक्शन के क्या चांसेस रहते हैं, अगर हम कंकरेंट यूज़ ऑफ साइक्लोस्पोरिन विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग कॉज एडिटिव नेफ्रोटॉक्सिसिटी, अगर हम साइक्लोस्पोरिन के साथ में अगर कोई और ड्रग जो यूज़ कर रहे हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक करती है, तो ये चांसेस और नेफ्रोटॉक्सिक के बढ़ जाते हैं, इसलिए साइक्लोस्पोरिन के साथ में कोई और वो ड्रग यूज़ ना करें जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर रही है। इसके अलावा कीटाकोनाजोल सिमेटिडिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी फ्रॉम साइक्लोस्पोरिन, और साइक्लोस्पोरिन के साथ कीटाकोनाजोल जो कि आपकी एंटीफंगल ड्रग है, और सिमेटिडिन जो आपकी S2 ब्लॉकर है, इनका अगर यूज़ करते हैं तो चांसेस ऑफ साइक्लोस्पोरिन का मेटाबॉलिज्म कम होगा, साइक्लोस्पोरिन का ब्लड सीरम लेवल बढ़ जाता है, जिससे इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका एल्यूपिरिनोल इंक्रीज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ एजिथायोपिरिन, इसी तरह यही है एल्यूपिरिनोल जो आपकी एंटी आर्थराइटिक में यूज़ होती है, आपकी एंटी एल्यूपिरिनोल्स जो ड्रग है आपकी गाउट एंटी गाउट ड्रग है, तो इसका अगर ये यूज़ कर रही है तो ये आपकी एजिथायोपिरिन जो होती है उसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये भी इसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, जिसका इसका ब्लड सीरम लेवल बढ़ जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्या अगर नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं, तो नर्स शुड बी ए मॉनिटर द एडवर्स इफेक्ट टॉक्सिसिटी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शन के आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा नर्स शुड बी मॉनिटर द मेंटेन इनटेक आउटपुट और आउटपुट चार्ट, तो मॉनिटर करना पड़ेगा मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, जो शरीर जो बॉडी के इन फंक्शन में जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी इनके वाइटल फंक्शन है उनको उनका मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड नर्स शुड बी इंस्ट्रक्शन पेशेंट टू रिपोर्ट द अनयूजुअल ब्लीडिंग और साइन सिम्टम और ट्रांसप्लांट रिएक्शंस, अगर कभी पेशेंट को ही बताना पड़ेगा कि पेशेंट को तो गाइड करना पड़ेगा कि अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है या कोई और साइन हो रहा है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का, तो तुरंत ही रिपोर्टेड करें। इसके अलावा कुछ और नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसमें नर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इन्फॉर्म द पेशेंट पोटेंशियली टेट्रोजेनिक इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड अर्ग द पेशेंट टू यूज़ कंट्रासेप्शंस। ठीक है, तो नर्स को ये भी बताना पड़ेगा कि टेट्रोजेनिक इफेक्ट मैंने बताया था आपको, टेट्रोजेनिक इफेक्ट आर दोज दैट अफेक्ट द फीटस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी टेट्रोजेनिक इफेक्ट वो है जो कि फीटस डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, फीटस के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे, फीटस में एब्नॉर्मलिटी क्रिएट करेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो टेट्रोजेनिक इफेक्ट भी इसके होते हैं, इसलिए जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में अगर किसी को देने की जरूरत पड़ रही है तो उस पेशेंट को बताना पड़ेगा कि इसके टेट्रोजेनिक इफेक्ट हो सकते हैं, आप इसके लिए इतना पैनिक ना हो इसलिए। और नर्स शुड बी टीच द पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंट लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लेंस विद इम्यून सप्रेसेंट थेरेपी टू प्रिवेंट द ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इसके अलावा आपको नर्स को पेशेंट को बारे में बताना पड़ेगा कि आपकी ये जो लॉन्ग टाइम तक इम्यून सप्रेसेंट थेरेपी चलेगी वो आपकी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसके रिजेक्शन को रोका जा सके। और एस इज द पेशेंट फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन सच एज फीवर, टैचिकार्डिया, मलेशिया, रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन, साथ में पेशेंट को बताना पड़ेगा जब भी आपको इस तरह के इन्फेक्शन वो पेशेंट को आपसे पेशेंट के आपको एसेस करने पड़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स, जैसे फीवर किसी पेशेंट का रहा तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन टैचिकार्डिया, मलेशिया, रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन है, तो ये सभी आपका कंप्लीट हुआ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको छोटा सा था क्लिप वीडियो समझ में आया होगा, और अगर इम्यूनोसप्रेसेंट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन के थ्रू नए नए लेक्चर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, और अगर आपको लगता है कि किसी की वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।